नवाबों के शहर लखनऊ ने भारत के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। इस शहर ने भारत की राजधानी दिल्ली की राजनीतिक गलियारों और वहां पर हुए उतार चढ़ाव को काफी बारीकी से देखा है। लखनऊ शहर में कई शानदार ऐतिहासिक इमारतों की कड़ियां आज भी बिखरी हुई हैं। यहां की हर एक गली में छिपा है इतिहास ए लखनऊ। इतिहास की तमाम प्रसिद्ध गाथाओं को अपने अंदर समेटे हुए लखनऊ के किस्सों को बयां कर पाना इतना आसान नहीं है, परंतु फिर भी मैं इस गौरवपूर्ण राजधानी के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं विरासतें लखनऊ। लखनऊ के इतिहास की शुरुआत कुछ ऐसे हुई जब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को ये शहर भेंट में दिया। उस वक्त इस शहर का नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर हुआ करता था। उसी की ये मिसाल है कि आज भी लक्ष्मण टीला के नाम से ये जगह मशहूर है। अवध के चौथे नवाब आसफ़उद्दौला ने लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। ये राजधानी 1775 में घोषित हुई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। अवध की सियासत में भूचाल तब आया जब 1856 में ब्रिटिश सरकार ने वाइदली शाह की गद्दी को छीन लिया और इसे ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर दिया। इसके बाद 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध हुआ और अवध की जनता ने एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया था। लखनऊ में 60 ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आज भी अपनी कलाओं को बिखेरे हुए हैं। इनमें से छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और भूलभुलैया प्रमुख हैं। लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए भी विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है। लखनऊ के चौक इलाके में आज भी चिकनकारी का कारोबार फल फूल रहा है।